कर रहे हैं स्टेडियम, स्टेडियम जो हमारे पास क्या है बेसिकली इधर से यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, हमारे पास क्या है स्टेडियम जो हमारे पास है किसका यूनिट है सॉलिड एंगल का यूनिट है। अब स्टेडियम बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मुझे कंसीडर स्फीयर, हम क्या करें पहले हमने सर्कल लिया था किसके अंदर प्लेन एंगल, बिकॉज प्लेन एंगल द टू डायमेंशनल एंगल, प्लेन एंगल जो हमारे पास क्या है टू डायमेंशनल एंगल थी तभी उसमें हमने क्या लिया था एक सर्कल लिया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो सॉलिड एंगल जो हमारे पास क्या है ये एक थ्री डायमेंशनल एंगल है, कौन सी बेटा ये थ्री डायमेंशनल एंगल है, अगर ये थ्री डायमेंशनल एंगल है तो हम इसके में क्या कंसिडर करेंगे वी कंसिडर ए स्फीयर। अब हम क्या कंसिडर करेंगे एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास क्या है जैसे स्फीयर, स्फीयर का मतलब टोटल इसका वॉल्यूम जो है कम्प्लीटली फिल होगा, क्या होगा इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है कम्प्लीटली फिल है। पहले हमने सर्किल की बात की थी प्लेन एंगल में, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब स्फीयर में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये स्फीयर है आपको समझ में आ गई कि इसका सेंटर है ये स्फीयर का, अब स्फीयर में हमारे पास क्या होगा एक पीस को हम कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक पीस को हम कट कर रहे हैं दैट पीस इन फॉर्म ऑफ कॉइन, ये जो पीस फॉर्म ऑफ कॉइन के फॉर्म में होगा हमारे पास किस फॉर्म में होगा एक कॉइन के फॉर्म में होगा, ठीक है ये कहाँ पर होगा इन द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन क्या है स्टेडियम की, द स्टेडियम इज अ सॉलिड एंगल, स्टेडियम जो हमारे पास क्या है एक सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये कहाँ पर हो गई है स्फीयर के सेंटर में बन गई और ये इसका क्या है दिस रेडियस और ये भी क्या इसका रेडियस है स्फीयर बाय एरिया। अब उसमें क्या है हमारे पास एरिया को कट कर रहा है ऑफ इट सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, अब हमारे पास क्या है ये इसका रेडियस है और ये भी इसका क्या है रेडियस है, अब ये क्या कर रहा है इसके सरफेस एरिया को कट कर रही है कितना कट कर रही है आर स्क्वायर फॉर्म में, ये जो एंगल यहाँ पर बनेगी दैट एंगल नोन एज स्टेडियम, ये जो एंगल होगी हमारे पास कौन सी होगी स्टेडियम स्फीयर बाय एरिया। अब यहाँ पर जो कट करी किस फॉर्म में कर रही है एरिया के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में जब कट करी तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है आर स्क्वायर ऑफ इट इज सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास है स्फीयर का जितना रेडियस होगा उतना इसका क्या होगा एरिया होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब यहाँ पर जो ये एंगल बनेगी दैट नोन इज स्फीयर में जो एंगल है हमारे पास क्या कहा जाता है दैट एंगल नोन इज स्टेडियम, उसको क्या कहा जाता है स्टेडियम और ये यहाँ पर क्या है एक वॉल्यूम की शेप में, किस शेप में वॉल्यूम। नॉर्मली जो हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड एंगल है उसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस आर स्क्वायर। अब हमारा सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया स्फीयर जो हमने स्फीयर लिया स्फीयर का जो हमारे यहाँ पर हम कह लेते हैं स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया हमारे पास कितने इक्वल है आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है सरफेस एरिया है किसका स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज फोर पाई आर स्क्वायर और नीचे फिर क्या है रेडियस ऑफ स्क्वायर रेडियस का रेडियस में गेंद्र हो जाएगा, तो ये जो ओमेगा हमारे पास जिसको हमने क्या लिया है पहले सॉलिड एंगल लिया है तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगी विच इज इक्वल टू फोर पाई, ये क्या हो जाएगी जो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा होगी ये किसके इक्वल है फोर पाई स्टेडियम, किसके इक्वल है फोर पाई स्टेडियम।